गुजरात में पटेल समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल अपने आंदोलन को राष्ट्रीय रूप देने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में आज हार्दिक पटेल ने दिल्ली में गुर्जर और जाट समाज के नेताओं से मुलाकात की। हार्दिक पटेल ने कहा कि उन्हें 12 राज्यों से समर्थन मिल रहा है। कल हार्दिक मध्य प्रदेश जाएंगे। पूरे गुजरात में आरक्षण के मुद्दे को पूरे गुजरात में ले जाना है, पूरे हिंदुस्तान में ले जाना है और सबके सहयोग से जो आरक्षण का मुद्दा है यहाँ पर उठा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, और सही तौर पर हर व्यक्ति को, हर समाज को और हर स्टेट में समझाना है। और जो आरक्षण के मुद्दे पर देश 35 साल पीछे चला गया है, उसी मुद्दे पर हमें देश के विकास की बात करनी है। दिल्ली में आने का मकसद क्या है? बस दिल्ली में यहाँ पर 10 स्टेट के जो अध्यक्ष है वो मिलेंगे और अगली रणनीति का हम यहाँ प्रयास करेंगे कौन सी करनी है। हम नेता नहीं है ना, नेता थोड़ी ना, हम नेताओं से मिलने की बात ही छोड़ दीजिए, किसी नेता से नहीं मिलना और नेता को ना ही कुछ नहीं देना इसमें। हम पटेल गुजरात में मजबूत तरीके से काम कर सके, लेकिन हमें गुज्जरों का साथ चाहिए, जाटों का साथ चाहिए, मराठा का साथ चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में आरक्षण की मांग। आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर कंफ्यूज नजर आए। हार्दिक के मुताबिक नेता चुनावी फायदे के लिए आरक्षण की राजनीति करते हैं और आरक्षण की वजह से देश पीछे चला गया। आरक्षण पॉलिटिकल पार्टी ने खड़ा कर दिया चुनाव के वक्त में सभी समाज के, पहले से 5% का 2-5 साल या 10 साल का कुछ रखा था कि 10 साल तक ही देना है, आज वो 60 साल से चलता आया है। आरक्षण की वजह से देश 60 साल पीछे चला गया है, मां सत्ता नहीं बन पा रहा, आज हम किसी और से मांग रहे हैं। अगर देना है आरक्षण तो सबको दे दो, जो मजबूत है, जो पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं फिर भी जॉब से दूर रहते हैं, उन लोगों को आरक्षण की ज़रूरत है तो उनको दे दो। जिस दिन इस देश में सही मायने पर आरक्षण का एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा, उस दिन हम इस हिंदुस्तान से बहुत ही मजबूताई के पायदान पर इस देश के विकास में सहयोगी बन सकते हैं और इस विश्व की महासत्ता में हिंदुस्तान मेरे तरीके से पहले नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर चीन होगा। वहीं पटेल आरक्षण के आंदोलन में जान गंवाने वाले 32 साल के श्वेतांग पटेल का आज अहमदाबाद में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। श्वेतांग के अंतिम संस्कार के लिए भारी भीड़ उमड़ी। श्वेतांग के अंतिम संस्कार को देखते हुए पुलिस ने बापूनगर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।